कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने स्टार प्रचारक के माध्यम से जनता के बीच में हवा बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नैनीताल जिले में पहुंचे। उन्होंने लालकुआ में भाजपा के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट के लिए वोट मांगे और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को गुमराह करने का काम किया है, उत्तराखंड में भी यही काम कर रही, लेकिन जनता समझदार है, इसलिए भाजपा को साल 2017 में 57 सीटें दी थी। एक तरफ विकास के काम, दूसरी तरफ जनता का कल्याण, ये कह रहे हैं चार काम 40,000 रुपया देंगे। ढेला दिया तुमने छत्तीसगढ़ में, जाके देख लो, ढेला नहीं दिया। ढेला तुमने पंजाब में दे दिया, कुछ एक पाई नहीं दी। राजस्थान में दे दिया, एक ढेला नहीं दिया। मध्य प्रदेश में भी कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक पैसा नहीं दिया। ये तो झूठ बोलने के आदि है। चुनाव है तो आसमान से तारे तोड़ के ला देंगे, हमें जिता दो और बाद में कहीं नजर नहीं आएंगे। और इसलिए आज निवेदन करने आ रहा हूँ। चौहान ने कहा कि कांग्रेस की कमान उस नेता को दी गई है जो लगातार चुनाव हार रहा है। उन्होंने हरीश रावत को रणछोड़दास कहा। लगातार हारने के बाद ही हरीश रावत का नाम हारदा रखा गया है। उन्होंने कहा कि एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है। लालकुआ की जनता मोहन सिंह बिष्ट को विजय बनाएगी और हरीश रावत लगातार चौथा चुनाव हारेंगे। जन सेवक, सच्चा साथी जनता का मोहन सिंह बिष्ट जीतेंगे। ये हरीश रावत तो रणछोड़दास है, मैदान छोड़ छोड़ के भगते हैं। कांग्रेस नेता ऐसा होता है जो एक क्षेत्र से लड़ता है, ये तो हर बार क्षेत्र बदलते हैं, दो दो क्षेत्रों से हार चुके हैं पिछली बार। जनता